अपने पहले विदेश यात्रा पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचकर शुरू की यात्रा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय पहले विदेश दौरे पर हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने आज सऊदी अरब पहुंचकर कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप आज पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे। 8 दिन के इस विदेशी दौरे में डोनाल्ड ट्रंप इसराइल, फिलिस्तीन इलाकों और वर्सेस लोवेटन और सिसली का दौरा करेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त अपने पहले विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान वह 50 मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही मुस्लिम कट्टरपंथ पर चर्चा होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और कथित रूप से हस्तक्षेप की जांच की निगरानी के लिए विशेष अधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले की ट्रंप ने कड़ी आलोचना की। साथ ही अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान ट्रंप ने बताया कि वो दुनिया के 3 एकेश्वरवादी धर्मों, इस्लाम, यहूदी और ईसाइयों की धार्मिक राजधानियों का भी दौरा करेंगे। और इसी को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सऊदी अरब पहुंचे। इसके बाद वो इसराइल और फिलिस्तीन का भी दौरा करेंगे और इन दोनों देशों के बीच जो तनाव है उस पर चर्चा की जाएगी, साथ ही आतंकवाद पर भी चर्चा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK24।